कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, आदरणीय श्री डीके मालवीय जी और संचालक मंडल के सभी सदस्यों से, डीके मालवीय जी से अनुरोध करूंगा कि वे विधायक जी को गुलदस्ता प्रदान कर अनुरोध करूंगा कि वे भी विधायक जी का स्वागत करें। अनुरोध करूंगा श्री राज देवांश जी से अनुरोध कर महेश जी पुरोहित, गणपत जी पाटीदार, और भी साथी स्वागत करना चाहते हैं तो आ जाए पास में। जेपी बैरागी जी, करूंगा कि वे दो शब्द जैसे स्वागत के लिए। माननीय विधायक महोदय, कार्यपालन के महोदय, मंडल अध्यक्ष महोदय एवं संस्था के सभी मेरे साथियों, सभी का आज एजीएम के उपलक्ष्य में मैं स्वागत करता हूं। साथ ही संस्था के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ये जो संस्था है अपनी 94 में इसका गठन किया गया, तब से इसको 5000 रुपये के लोन से प्रारंभ किया था। आज की स्थिति में इसको अपन ने इसको 6,00,000 रुपये तक का लोन देना स्वीकृत किया है। 52 कुल मेंबर, अच्छा 52 कुल 250 तो स्टार्ट हुए थे, सब रिटायर हो गए। 52 कुल मार्गदर्शन प्रदान करें।
94 में स्थापना हुई आपकी सुविधा। उस समय 5000 रुपए की बहुत वैल्यू हो, स्वर्णों में सोना को भाग 1800 रुपए। पर एक बहुत अच्छी स्थिति में ये संस्था आज के आज 6 लाख रुपए तक का लोन अपने मेंबर्स को दे सकते हैं और देती है। 52 लाख की एफडी भी बनी है। आप पहले के वास्ते लड़ाया नहीं मेरे बस में। तो निश्चित रूप से एक अच्छी मजबूत स्थिति में आपकी ये समिति है। आप लगातार कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, उनका भला करते हैं और उसी दृष्टिकोण से समिति का गठन हुआ था जो कर्मचारियों के लिए काम करेंगे। अच्छे लोग चुन के आते रहे, अच्छे लोगों के हाथ में संचालन रहा तो समिति के कार्यों में भी गड़बड़ी हुई, इसके पॉइंट्स में लगातार इजाफा होता रहा और मजबूत होते रहे। तो कभी कभी संस्था गलत हाथों में चली जाती है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा। ये स्थिति हमने देखी है आपकी जब विद्युत समिति थी तक, कि जो बैठा उसने चरागाह बना दिया था, ये साक्षी मिल रहा है। खूब झगड़े हुए हैं जब विद्युत समिति की साधारण सभा की बैठकर होती थी, पर एक ऐसी होकर बात करते थे।